अमेठी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं तो दूसरी ओर अमेठी में ही कांग्रेस किसान मोर्चा के संग्रामपुर ब्लॉक अध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह ने एक वीडियो वायरल कर अपने जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा पर आरोप लगाया है कि उनकी तरफ से हम लोगों को सपा के पक्ष में अपने कार्यकर्ताओं के साथ वोट करने के लिए धमकाया जा रहा है न मानने पर गालियां भी दी जा रही हैं। वीडियो में साफ-साफ उपेंद्र सिंह ने कहा है कि हमारे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी में ही थे बाद में 9 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी में आए थे क्या मामला है? आ, मामला है हुआ कि हम किसान कांग्रेस कमेटी के ब्लाक अध्यक्ष हैं। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से कांग्रेस से किस पद पर है ब्लाक अध्यक्ष ब्लाक अध्यक्ष जी 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 कौन से ब्लाक का संग्रामपुर संग्रामपुर जी क्या समस्य है समस्या है आप समस्या ये है कि हम कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं एक साल से जी। लगे ये है, है हमारे जिला अध्यक्ष है ओपी दुबे ओम प्रकाश दुबे कौन है ओम प्रकाश दुबे दारापुर जी जी, जी।, जी।, जी। उन, कल मैंने उनसे पूछा कि हमारी टीम को क्या करना है तो उन्होंने बोला है कि शांति रहो सपा को वोटिंग करना है और कांग्रेस में लगे रहो सपा को वोटिंग करना है सारी टीम को धीरे धीरे अपना बता दो कांग्रेस ओपी जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है जी 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 तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा उन्होंने ऐसा कहा कि वो पहले सपा में व्यक्तिगत आप व्यक्तिगत आपका कोई मामला है कि उन्होंने नहीं नहीं हमारा कोई मामला नहीं है उनसे अच्छा, वो, वो पहले सपा में पहले थे सपा पार्टी थे। अच्छा, इसके पहले वो सपा में था जी 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 सपा दिनों से वो कांग्रेस में है वो नौ अप्रैल से कांग्रेस में है फिर जिला पंचायत का इलेक्शन लड़े उसमें पैसा पैसा ज्यादा लग गया उनका सपा से वो पैसा ले रहे हैं और कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं